हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मोदक। दूध से तो ये मैंने दूध लिया है आधा लीटर और हम इसी से बनाएंगे दूध का मोदक। तो अब हम गैस को चालू करेंगे। मैंने गैस को चालू किया है, अभी हमारा दूध उबलेगा, उसके बाद हम इसी से चलाएंगे और मोदक बनाएंगे। दूध हमारा उबल गया है, अब हम इसे चलाएंगे इस तरह से। और इस चीज का ध्यान रखें कि कढ़ाई में दूध लगे ना। हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच चीनी, डालेंगे 2 चम्मच चीनी। तो हमने अभी इसलिए डाला कि जो हमारा दूध का मोदक बनेगा तो दानेदार बनेगा, इसलिए मैंने चीनी अभी डाल रही हूँ। ये हमारा मोदक बनने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब दूध गाढ़ा हो रहा है। चलाते रहेंगे जब तक पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये हमारा जो दूध है ये गाढ़ा हो रहा है, ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे। तो रेगुलर हम कर देंगे गैस को बंद और इसे उतार लेंगे नीचे। मैं देंगे इसे ठंडा और इसे निकाल लें। अभी ठंडा हो गया है, अब हम इसे बनाएंगे। और ये रही मोदक की मशीन, तो हम इसमें लगाएंगे थोड़ा घी या तेल, उसके बाद हम इसमें बनाएंगे। हम इसमें लगा लेंगे पहले चीनी डाली तो दर दरा दिख रहा है, इसीलिए मैंने पहले चीनी डाली थी। इस तरह से हम करेंगे। इसी तरह से भर लेंगे। इसी तरह सारे मोदक बना लेंगे। हमने सारे मोदक बना लिए हैं। हमारा जो मोदक था बन के रेडी हो गया। तो मैंने आधा लीटर दूध से बनाया है और 2 चम्मच चीनी से। हमारा मोदक बन के रेडी है। तो आप सब भी बनाएं, तो इस तरह से बनाएं
हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोदक बिना फ्रिज 1 हफ्ता 10 दिन चले तो आप चीनी ज़्यादा करके बनाइए। जैसे आपने 1/2 लीटर दूध लिया है तो 1 पाव चीनी। इससे क्या होगा कि हमारा मोदक थोड़ा टाइट तो रहेगा लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा। और आप अगर ऐसे हमारी तरह बना सकते हैं तो ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा बिना फ्रिज का, क्योंकि 3रे दिन इसका स्वाद बदल जाता है। तो आप बनाइए अपने हिसाब से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।